Just need me for somebody else. Enjoy yourself, enjoy yourself. Enjoy yourself. Hey guys, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। सो आज मैं अपनी KTM में स्टॉक हॉर्न उतार के बॉस के हॉर्न फिट करूँगा, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे। 650 से 700 रुपये के बीच में मुझे मिले थे। हेला के हॉर्न भी थे, वो 1100-1200 पाउंड रुपीज़ के थे। मैंने ट्राई की, मैंने सोचा फिर क्या करने है, आवाज़ तो सेम है दोनों की, बस डिफरेंस ये था वो सिल्वर कलर में थे और ये ब्लैक कलर में है, और बाकी जो इनकी साउंड है दोनों की सेम है। मैंने लोकल मार्केट में जाकर भी चेक किया है। सो लेट्स गो, असेंबल करते हैं, ट्राई करेंगे कि जो स्टॉक हॉर्न है उसी की जगह पर फिट हो जाए। तो इसके लिए मुझे चाहिए 11 नंबर और 12 नंबर 10-11 की चाबी और 12-13 की चाबी और एक 4 नंबर की LN की। तो लेट्स गो, चलते हैं और शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना हॉर्न फिक्स करना। सिर्फ एक ये नट है, सीट के नीचे है, सीट को खोलेंगे और 2 स्क्रू इसके आगे हैं, ये खोलेंगे और हॉर्न ट्राई करेंगे जहाँ पर इसका स्टॉक हॉर्न लगा है वहीं पर अपना हॉर्न फिक्स कर दें। जो हॉर्न है, हॉर्न इधर है, कंपनी का हॉर्न है, इनको भी केबल टाई लगाएंगे। ये मैंने अपनी LED के लिए लगाया था। ओके, ये स्क्रू दोनों निकालने के बाद आपको इसे बड़े आराम से खींचना है बाहर को, ये लूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे 2 स्क्रू है, इन्हें भी खोल लेते हैं फ्रंट में और इसे हल्का सा फ्रंट को खींचिए। एंड ये आ गया बाहर। ओके, तो ये पुश फिट है, ये अंदर इसके रबड़ होती है, रबड़ में पुश हो जाते हैं ये वाले, और ये भी इसकी अंदर एक रबड़ लगी हुई है उसमें क्लिक हो जाता है। ये बॉस के हॉर्न है, ये मैंने ऑर्डर किए थे अमेजोन से, 650-700 के आए थे आई थिंक ये वाले, दिस वन इंस्टॉल करेंगे। और ये इसका ओरिजिनल हॉर्न है जो लगा हुआ है यहाँ पे कंपनी का, ये स्क्रू है, इसे खोल लेंगे, देन यहाँ पे अपने बॉस के हॉर्न को लगा देंगे। इन टाइज को भी, इनको भी थोड़ा टाई लगाना है, जो मेरी केबल है ये भी लंबती है। आई थिंक इसका पेट्रोल पाइप है वो चेंज नहीं किया, पुराने वाला। ये 10-11 की चाबी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे खोलने के लिए। ये आ गया हॉर्न बाहर, प्लस एंड माइनस, ये वाला हॉर्न लगा हुआ है इसमें, मेड इन इंडिया। ऑलराइट, सो ये मैंने अपना हॉर्न फिट कर लिया, यहीं पे कंपनी का हॉर्न लगा हुआ था, ये पत्ती है, थोड़ा सा इसे मुझे सीधा करना पड़ा प्लास से दिस साइड, जैसे ये बैंड है ना ऐसे आकर ऐसे है पीछे, इसके ऐसे सेम बैंड था उसे मैंने सीधा कर दिया। सेम केबल यूज़ हो गई है और हॉर्न लग गया है, सिंगल हॉर्न मैंने लगाया है। तो ये अपना हॉर्न कंप्लीट हो गया है, फिर अभी इसे फेयरिंग को, इसे साफ करने के बाद फेयरिंग को कर देंगे फिट और ये सारा साफ कर लेंगे। एंड ये रबड़ है, इसमें फेयरिंग अपनी फिट हो जाती है, इसमें फिर इसमें और इस स्क्रू में फेयरिंग ऐसे लॉक होती है, ऐसे आकर ना ऐसे स्लाइड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पे, जो ये एक रबड़ है, यहाँ पे फेयरिंग अटैच होती है, जो अपनी फेयरिंग है, सबसे पहले इसे क्लीन करेंगे दैन उसे फिट कर देंगे, बस इतना काम था। ये मैंने अपनी जो लाइट्स लगाई हुई हैं, फॉग लाइट, इसकी वायरिंग मैंने सीधी यहाँ से ले ली थी प्लस माइनस से। अब इस वायर को ना अब मैं लगाऊंगा इग्निशन के साथ, वो मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। हॉर्न अपना असेंबल हो चुका है, मैंने सिर्फ एक हॉर्न लगाया है और मैंने हाई वाला हॉर्न यूज़ किया है, ये लो वाला हॉर्न है, यहाँ पे L लिखा हुआ है ना, ये लो है, मैंने H वाला यूज़ किया हाई वाला, और वही जगह पे लग गया हॉर्न जहाँ पे पहले लगा हुआ था, कुछ नहीं निकालना पड़ा, कुछ एडिशनल नहीं है। यहाँ पे लगाएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, पुलिस भी रोक सकती है भी आपका एडिशनल हॉर्न है यहाँ पे लगा हुआ है कंपनी फिटिंग में, तो पुलिस भी आप बोल सकते हो कि ये तो कंपनी की ओर से है, ठीक है। और इसकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कंपनी की ओर से था उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी। सो हॉर्न की फिटिंग बिल्कुल नीचे हो चुकी है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, बिल्कुल स्टॉक बाइक है। ओके सो गाइस, इस हॉर्न फिट करने के लिए मुझे चाहिए थी 10-11 की चाबी, एक 12-13 की चाबी, ठीक है, और एक मैंने प्लास यूज़ किया था, वो जो पत्ती थी उससे सीधी करने के लिए। ये कंपनी का पुराना हॉर्न है, ये मैंने उतार दिया, अब इसे स्क्रू लगा के रख देंगे
और मैंने अपना एक होरनी असेंबल किया बिकॉज मुझे एक होरनी चाहिए था, और एक ये वाला ये मैं संभाल के रख लूँगा, किसी एक्टिवा में लगा देंगे कभी। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि हॉर्न कैसे फिट करना है। अगर आपको वीडियो ठीक लगी सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।